दोस्तों, आज मैं हूँ हमारे ट्रेडिशनल लुक में, जो मेराणी का लुक है। और जैसे मेरा जन्म कुल में हुआ है, तो मैं मेराणी कहलाती हूँ। और आफ्टर मैरिज जैसे मेर की मेराणी वैसे बोलते हैं। और ये आज मैंने पूरा ट्रेडिशनल पहना हुआ है। ये ओरिजिनल चांदी का आता है, जिसको स्वीडू बोलते हैं। एंड इसके आगे एक छोटा सा बेंगल जैसा आता है, उसको कड़ा बोलते हैं। वो दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज मैंने वो नहीं पहना क्योंकि वो बहुत हेवी होता है। एंड वो जैसे हमारे पास नहीं है, कम लोगों के पास होता है, वो बहुत ही पुराने हैं। एंड ये जो गहने हैं, हमारे में गहने बहुत ज़्यादा पहनते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पहले मैं बता दूँ, ये जो नीचे का है, इसमें डिज़ाइन होती है पूरी आगे, और इसको ढारवा बोलते हैं। सभी मेर की जो हमारा ट्रेडिशनल लोग ट्रेडिशनल ड्रेस अभी भी जो पहनते हैं, माताएं बहनें, वो रेड कलर का ही पहनते हैं नीचे, और इसको ढारवा बोलते हैं। इसके साथ ये जो होता है, जैसे साड़ी में ब्लाउज होता है, वैसे इसको कापड़ा बोलते हैं। एंड इसके साथ मैचिंग, कापड़ा का मैचिंग जो दुपट्टा होता है वैसा, इसको ओढ़णू बोलते हैं हमारे में। ओढ़ना, ओढ़नी, ओढ़णू बोलते हैं हमारी गुजराती में। तो यही हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। और उसके साथ ऑलवेज हम पहनते हैं ये, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपकी मम्मी इतने बड़े बड़े इयर रिंग्स क्यों पहनते हैं। तो हम वो पहले से यूज्ड टू है। अगर मैं रोज़ के लिए पहनूंगी तो मेरे लिए हेवी होगा। और इसे वेढ़ला बोलते हैं। अगर आप नज़दीक से भी देखोगे तो इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन होती है। और ये जो बड़ा है, हमारे कास्ट में जब भी वेडिंग होता है या कुछ भी हो, सबसे हेवी गहना होता है तो ये होता है। बहू भी पहनती है, दूल्हे को भी पहनाते हैं। इसको झुमणू बोलते हैं। इसका जैसे हमारी लैंग्वेज में जो नाम है, वही मैं बता रही हूँ। इसको झुमणू बोलते हैं। और ये काठली बोलते हैं। ज़्यादातर जो मेंस पहनते हैं, वो विदाउट पेंडल भी आती है काठली। और ये भी एक दूसरा है, जो थोड़ा सा हमारा जो ट्रेडिशनल है, उसमें से मिक्स करके बनाया गया हुआ है, पावला काठली, जो थोड़ी सी मीडियम साइज़ की होती है। इसके अलावा भी दो तीन हमारे जो ट्रेडिशनल सेट होता है, एक और वो होता है, वो अभी मैंने बहुत सारे नहीं पहने क्योंकि बहुत ऑलरेडी हैवी हो चुका है। एंड एक और बात मैं बता दूं कि हमारे ट्रेडिशनल में गहने के सिवा हमारा ट्रेडिशनल लुक आएगा ही नहीं, तो गहने सब पहनते हैं। लेकिन पहले जैसे गांव में एक या दो लोगों के पास, या जैसे आसपास तीन चार गांव में किसी के पास, जो पैसेदार ज़्यादा ज़मींदार होते हैं, उसके पास होता था। तो ये अभी जो मैं लेके आई हूँ, वो सारे जैसे डुप्लीकेट बनाते हैं वही है। ये सारा गोल्ड नहीं है जो आपको दिख रहा है इतना। लेकिन आजकल ये सिर्फ हम ट्रेडिशनल ड्रेस में ही पहन सकते हैं, बाद में साड़ी में, और उसमें वो बहुत हेवी नवरात्रि होती है या कुछ वेडिंग या कुछ ऐसा होता है, तब हमारा ये जो लुक वही है, डिज़ाइन भी वही है, बस ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता जो सब पहनते हैं वो। एंड हम भी ये जब पहनते हैं, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है तब, बस मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूट्यूब की कि मुझे हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम अपने कल्चर का, हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस का और हमारा जो मेहर का कल्चर है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड दैट वी शोइंग अवर कल्चर, अवर महर कल्चर टू द वर्ल्ड ऑन बिगेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एंड वी मेक ऑल अवर वीडियोज़ विथ ऑल रिस्पेक्ट ऑफ अवर फैमिली, अवर कास्ट एंड अवर इंडियन कल्चर एज वेल। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आ बधुँ आज अमे हिंदी में के इंग्लिश वधारे पड़ता तो हिंदी में जोया अपना बधाय वीडियो, हिंदी में एटली बोला के જે આપણા ગુજરાતની બહાર હે, એ લોકોની તો ગુજરાતી આવડે નહીં, તો હિન્દીમાં બોલીએ તો એ સમજે હગે આપણું કલ્ચર, એની ખબર પડે કે આપણો ડ્રેસ કયો હે, આપણું બધું, આપણી આખી સંસ્કૃતિ એની ખબર પડે, એટલા માટે જ અમે હિન્દીમાં બોલીએ, તો આપણી આખા વર્લ્ડમાં આપણું કલ્ચર રિપ્રેઝેન્ટ કરે હગીએ। और एक क्षत्रियाणी होती है, और जिसके पास हथियार तो कहीं होता ही है छुपा होता, सेल्फ डिफेंस के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो। तो हमारे में भी मेराणी जो होती है, वो पहले ये रखते थे, जिसको खंजर बोलते थे, कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो इसको यूज़ भी करती थी। और बहुत सारे हमारे में ऐसी हिस्ट्री हो चुकी है, इतनी स्टोरीज हो चुकी है कि एक मेहरानी ने, बस एक लड़की ने, अपने एक वो कहीं जा रहे थे और किसी जो दुश्मन लोग थे, उन्होंने उसके भाई का
कत्ल उसका सर काट दिया एंड इसके बाद वो इसके ऊपर हमला कर रहे थे मेहरानी के ऊपर, तो उन्होंने 10 दुश्मनों को अकेली ने मार डाला था। तो क्षत्रियाणियाँ होती है या मेरा वो लड़कियाँ भी डरती नहीं है, कभी भी रात को 12 बजे भी वो किसी को जवाब दे सकती है। तो ये एक सबसे जो निडरता है वो हमारे खून में है और वो होनी चाहिए सभी आजकल की लड़कियों में भी, और ये ऑलवेज रखते थे। अगर वो अपना बचाव ना कर पाए तो ये बहुत सारे ऐसे भी किस्से हुए हैं कि जिसमें अगर उसको लगे कि उसके परिवार पे कुछ वो होगा या उसकी इज्जत पे कोई आँच आएगी तो वो खुद खंजर खा के अपनी जान दे देती थी। और निडरता हमारे खून में है, ऐसा नहीं है कि बस हम इतने गहने पहन सकते तो हम इसका बचाव नहीं कर सकते। हम यहाँ बताई पेरिए घना तो एने हँसवानी बसावानी पर हमारा मखून झेतार पेरिए। तो ये कह सकती हूँ कि हम जो गहने पहनते हैं कोई भी आके या गहने उतार जैसे चुरा के लेके जाए वो पॉसिबल नहीं है, हम इसको ऐसे लेके जाने नहीं देंगे। तो बस हम पूरी ये ताकत रखते हैं और हिम्मत रखते हैं कि हमने जो गहने पहने हैं या हमारा सेल्फ डिफेंस हम पूरी तरह से कर सकते हैं। तो यही है बस मेरानी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरे ओपिनियन से हमारे सबके आइडल जैसे कि झांसी की रानी या जीजाबाई वैसे होने चाहिए जो देश की रक्षा कर सके, ना कि आज कल की जो हीरोइन के जो वेस्टर्न कल्चर के पीछे पड़े वैसे नहीं होना चाहिए। और हम जीजाबाई या झांसी की रानी जैसे विचार रखेंगे तभी हमारे बेटे जाके शिवाजी या भगत सिंह जैसा कुछ काम करके दिखा।